चुना है आज? यस अनिल जी, आज वेरी गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये सेगमेंट मैं क्या कि बचपन से देखते आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ फैमिली बिजनेस ऐसा है कि हम लोग एस्बेस्टस शीट्स में काम करते आए हैं. तो मैंने HIL, रैमको, एवरेस्ट सब पहले कभी ना कभी अलग अलग तरीके से रेकमेंड किया हुआ है, और विशाखा इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द सेगमेंट. फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है विशाखा इंडस्ट्रीज. की सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है, इन्होंने जो अभी रिसेंटली जो इन्होंने पिछले 5-7 सालों में बहुत अच्छा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किया है. कोरुगेटेड सीमेंट शीट्स में तो है ही है, फाइबर सीमेंट बोर्ड्स में है. इन्होंने एक बहुत ही अलग ही टाइप का एट्यूम बोल के एक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है, और हाइब्रिड सोलर रूफ्स मतलब वो छत पे लग जाती है और आपके वो सोलर पैनल जैसा भी है, और एफिशिएंसी 20% एक्स्ट्रा देन द कन्वेंशनल सोलर पैनल्स, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है. विशाखा एक लार्जेस्ट मुराटेक ट्विनिंग स्पन फैसिलिटी है, उसको भी इन्होंने रूफिंग की हुई है, तो वो भी इनके लिए बहुत बड़ी फेम की बात है. और ओवरऑल बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने खड़ा किया हुआ है. 650 करोड़ की कंपनी के 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 13 करीब मार्केटिंग ऑफिसर्स है, पैन इंडिया इन्होंने पूरा अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रखा है, 7,000 डीलर आउटलेट्स है. सो ऑल दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद ऑल दिस काइंड ऑफ इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोडक्ट्स है, इन सबको देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत सस्ती है कंपनी. और सबसे बढ़िया बात है जो रूरल फोकस, अभी बजट का महीना आ गया है, आने वाले महीने में बजट है, तो और प्लस जो भी फसल अगर अच्छी होती है तो सर्टेनली इन सब प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बहुत जबरदस्त होता है. सरकार का फोकस ऑलरेडी ये सारे हाउसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को ले. फंडामेंटल्स 9 के पी मल्टीपल पे है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल ऑलमोस्ट 1.1 है, डिविडेंड यील्ड करीब 3.83 है, और पिछले 3-5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 18% के लगभग. और उससे भी बढ़िया बात जो मुझे लगी, जून का क्वार्टर वॉज द बेस्ट. जब जून में लोग बाग ब्लीड कर रहे थे, जहां पे चारों तरफ तबाही मची हुई थी, तराई तराई थी, तब ये 34 करोड़ का पैट जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन्होंने दिया है जून के क्वार्टर में, और सितंबर का क्वार्टर भी पिछले सितंबर से 13 करोड़ का जो पैट था उसके सामने 22 करोड़. सो ओवरऑल आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द रिजल्ट्स, और मुझे लगता है कि और कुछ सालों से प्रमोटर्स अपने स्टेक को भी बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है पिछले 3 साल में जो ये स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, -20% है, और अगर आप देखें 2018 की रैली में वहां से ये स्टॉक बहुत नीचे, आज भी आई थिंक उस टाइम पे 700 रुपए के लगभग गया हुआ था, आज ये इतने नीचे है. सो सर्टनली इट कैन डू वेरी वेल. 470 से 490 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए. ओके, तो 470-490 के टारगेट्स के लिए विशाखा इंडस्ट्रीज, यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी. जेंस आपके जेम्स में ये है आपके लिए आज की रिकमेंडेशन, और स्टॉक भी देखिए एक्शन में आते हुए दिख रहा है. 3 से 6 महीने का रखिए टाइम होराइजन.